अनूपपुर जिले में मां नर्मदा का उद्गम स्थल होने के कारण यहां मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों का आना और विकास की बात करना किसी जुमले से कम नहीं है। पहले के समय में संसाधनों का न होना समझ में आता था, पर आज के समय में शासकीय स्कूल पे स्कूल संचालित हो रहे हैं, शिक्षा के विकास की कोई बात नहीं करता है और न ही स्कूलों की व्यवस्थाओं को देखने वाला कोई अधिकारी है। सब खाना पूर्ति में लगे रहते हैं। अनूपपुर जिले के किसी भी शासकीय स्कूलों में नजर डाला जाए तो अनियमितताओं के नज़ारे ही नजर आएंगे। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के स्कूलों में नज़र डालते हैं तो आपको डराने वाले कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। हम बात कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के ताली ग्राम पंचायत के स्कूलों की, जहां पर बच्चों के लिए न पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है और न टॉयलेट की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए कर्मचारी। सब मस्त मौला की तरह संचालित हैं स्कूल। अब आपको स्कूलों की खस्ता हालों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की संख्या 280 के लगभग है, पर विभाग लीपापोती करते हुए नजर आए हैं। स्कूलों में प्राथमिक शाला से लेकर हाई स्कूल तक में भी न चपरासी की व्यवस्था, न स्वीपर की व्यवस्था, टॉयलेटों में गंदगियों का अंबार नजर आया। वहीं पर ताली हाई स्कूल में एक चौंकाने वाली तस्वीर नजर आई है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जूते चप्पल उतरवा कर बाहर रखवाया गया है और टीचर खुद जूते चप्पल पहनकर घूमते नजर आए, जबकि हाई स्कूल में बैठने के लिए टेबल और बेंच की व्यवस्था है। फिर भी ये तस्वीर एक अलग ही कहानी बयां करते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं स्कूल के प्राचार्य भेदभाव की प्रथा और समानता की साफ छवि को धूमिल करने और पुराने जमाने के शासक के रूप में नजर आ रहे हैं। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता था कि छोटे जाति के लोगों को जूते पहनकर आने पर उनके जूते उतरवा लिए जाते थे, क्या शिक्षा के मंदिर में भी बच्चों के साथ भेदभाव वाली स्थिति बनाई जा रही है? फिर कैसे होगा शिक्षा के मंदिर में बच्चों का बौद्धिक विकास? जूते चप्पल वाले मामले में कहते हैं कि आज हमारे संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच करवाते हैं। ठंड के दिनों में जूते चप्पल उतरवाना गलत है। क्या नाम है तुम्हारा? जयंती। जयंती, जयंती तुम लोग ये जूता बाहर उतार के आते हैं चप्पल? किसके कहने पे? किसी ने कहा है क्या? नहीं, नहीं, नहीं सही बताओ, किसने? किसी ने नहीं कहा है? अच्छा, ठंडी नहीं लगती पाँव में? लगती है, है? जूता उतार के ठंड के दिनों में सीमेंट के फर्श में बैठे हुए क्या कहना चाहते हैं? सीमेंट के फर्श में नहीं बैठे, टेबल कुर्सी में बैठे, टेबल कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन चल तो रहे फर्श पे ही ना। शुरू से ही ये बच्चे अपने जूता चप्पल बाहर उतार के आते हैं, अब अभी हम लोगों ने इनको तो मना नहीं किया है, वो अपने। अच्छा, ये प्रथा जो है आपके विद्यालय में कब से चली आ रही है? शुरू से, जब से हमारा विद्यालय ये खुला है। कब बना है आपका विद्यालय? 2009 में बना है, 2009 जब से चल रहा है। सर, ताली हायर सेकेंडरी में स्कूल के बाहर बच्चों के जूते चप्पल दिखाई दिए, साथ ही अगर स्कूल में भी जाकर देखा गया तो बच्चे नंगे पाँव में नजर आए, क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे ठंड के सीजन में तो जूता चप्पल पहने रहना चाहिए, टेबल की व्यवस्था है तो। वहाँ पर जब प्रचार से बात की गई तो बोले हमारे यहाँ प्रथा है चप्पल जूता बाहर उतार कर रखने का। चाहिए तो ये अगर है तब की बात, नहीं तो वैसे नियम है कि विद्यालय में जो है जूता चप्पल मोजा पहने रहे बच्चे, जबकि प्रचार खुद और टीचर खुद जूता चप्पल पहन के घूम रहे थे सर। जी, ये कैसी प्रथा है? बच्चों के लिए प्रथा है और बड़ों के लिए, जबकि प्रथा पालन शिक्षा कदाचार तो ये शिक्षक को सिखाना चाहिए। हाँ, एक जैसे होना चाहिए जी। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कार्रवाई करेंगे इस पर, क्या सुधार करेंगे? अगर ऐसा है तो देखेंगे और उसको जांच करेंगे। अली स्कूल पे वहाँ प्राथमिक स्कूल भी है और हायर सेकेंडरी भी स्कूल भी है, वहाँ पानी का भी अभाव है और लेट बाद भी टूटे फूटे हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी पानी के बारे में तो हमारे तिवारी जी भी गए थे, चर्चाएं हुए हैं पीएचई विभाग से, तो वहाँ पानी शायद पहले पंप में हैंडपम्प निकल रहा था, बाद में बदले हैं उसमें नहीं निकल रहा है, तो हम पुनः पीएचई विभाग से और संपर्क करके और पानी की व्यवस्था करने के लिए कोशिश करेंगे और वहाँ जो भी व्यवस्था कमी है उसको सुधार की जाएगी। महेश बघेल सर, यहाँ पर पानी की समस्या कितने सालों से या कितने दिनों से है? पानी की समस्या विगत 2 वर्ष से। 2 वर्ष से है, फिर पानी की व्यवस्था कैसे करवाते हैं आप लोग? पानी की व्यवस्था प्राइवेट बोर है, प्राइवेट बोर से लेते हैं। यहाँ पर सरकारी व्यवस्था नहीं है क्या बोर की? नहीं, सरकारी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी सूचना दी? जी। क्या बोला? करवाए तो थे,
बोर करवाए, केसिंग नहीं पड़ने कारण फंस गए। ऐसा आपने जानकारी दी कि केसिंग नहीं पड़ी सर, फिर क्या बोले उन लोग? हैंडपम्प डालते हैं, हैंड पाइप बढ़ाते हैं, जब बोर ही नहीं है, बोर में पानी नहीं, बोर की गहराई घट गया तो पानी कैसे निकलेगा? सर आपका शुभ नाम? राजेश नापित। आप इस विद्यालय के प्रचार हैं? जी। सर आपके विद्यालय में पानी की समस्या भी दिखी जी, और बच्चे भी काफ़ी स्ट्रेंथ, कितने बच्चे हैं सर यहाँ? 9th से 10th में 92 बच्चे हैं। 284। सर यहाँ पानी की समस्या क्या कारण है सर? पानी की पहले तो पानी ठीक था, बीच में जब से हमारे बगल में बोर हो गया, जब से पानी की समस्या से हम मैंने परेशान है। हमने एक दो बार सूचित भी किया, अभी आए थे हमारे यहाँ सीओ साहब भी आए थे, हमने उनको सूचना दी थी कि पानी की समस्या है, तो उनने पीएचई विभाग से बात भी किया था। बोर भी हुआ तो बोर सक्सेस नहीं, बोर वो भसक गए, तो जो हुआ अभी नया वाला, इसमें बोर में पाइप बोर कम है, इसमें 115 फीट है बोर, जिस कारण से पानी की समस्या से गुजरेगी। सर जो बच्चों के प्रसाधन कक्ष है जी, मल मूत्र त्यागने वाले जी, कई गंदगियां दिखने को मिली सर, टूटा फूटा दिखा। क्या मलमूत्र वाले जो क्या है कि बाहर होने के कारण बच्चे जो बाहर के बाहर वाले बच्चे हैं वो खेलते हैं ग्राउंड में, इसलिए उनके द्वारा तोड़ फोड़ करके और ये बाहर गंदगी कर दिया जाता है। जो हमारे यहाँ के प्रसाधन हैं तो जो अंदर हैं तो वो सही हैं। वो सेफ्टी टंकी का जो छत होता है वो भी टूटा हुआ मिला गया, ढक्कन टूटा हुआ बच्चों के द्वारा, चूंकि बाहर होने के कारण सेफ्टी टैंक और उसके द्वारा बच्चों के द्वारा तोड़ दिया गया। तो सर उसके ऊपर कुछ तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास किए गए होंगे? अभी तो मेरे को अभी पता नहीं चला, नहीं तो मैं तो उसको सुरक्षा व्यवस्था करवा देता उसका। सर किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे क्या आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हादसा का इंतजार नहीं कर रहा था। एक बार अपना नाम बताइएगा सर फिर। राजेश नापित।